आज अपन पढ़ेंगे आर्थोस्कोपिक सर्जरी। ये एक सर्जरी का टाइप है, अपन इसको एक सर्जरी का टाइप कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन इसमें पूरे जो पार्ट होता है जिस एरिया पर अपन को सर्जरी करनी है उसको पूरा कट नहीं करते हैं। इसके अंदर कुछ टेलीस्कोप वगैरह होते हैं जो अंदर डाल के उसका डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, तो आर्थोस्कोपिक सर्जरी एक टेक्निक है जिसके अंदर अपन जॉइंट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इन विच इसके अंदर एक अपन थिन टेलीस्कोप यूज़ करते हैं जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के टिप पर लगा हुआ होता है, जिसे अपन कहते हैं आर्थोस्कोप। और फिर इसको जॉइंट के अंदर डाला जाता है और एग्जामिन किया जाता है कि जॉइंट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है और अपन को किस चीज़ की सर्जरी करनी है। तो इसको अपन कहते हैं डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जब अपन सर्जरी करते हैं उस सर्जरी को अपन कहते हैं आर्थोस्कोपिक सर्जरी। तो अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ है नी आर्थोस्कोपिक सर्जरी का। तो इसमें है ये नी जॉइंट है पेशेंट का और डॉक्टर इसको सर्जरी करवा रहा है। तो इसमें पूरे पार्ट को सिर्फ काटा नहीं गया है, मतलब कट नहीं किया गया है, क्योंकि और सर्जरी में क्या होता है, इसको पहले कट किया जाता है उसके बाद अंदर जो भी अपन को करना होता है वो करते हैं। लेकिन इसमें इस तरह से एक इक्विपमेंट होता है जिसके टिप पर, जिसके अंदर वाले टिप पर टेलीस्कोप प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू एग्जामिन किया जाता है और इस तरह से ही इसका सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और ये सर्जरी अपन को सबसे ज़्यादा नी जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट में देखने को मिलती है, क्योंकि अपन ने देखा ना ये नी जॉइंट की सर्जरी की एक टेक्निक है, तो अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको नी एंड शोल्डर में। उसके बाद आते हैं इसके आर्थोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेज। अपन इसके एडवांटेज देख रहे हैं और जो नॉर्मल सर्जरी है उसके थ्रू अपन इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इसका एडवांटेज है मिनिमल इन्वेंसिव टेक्निक। तो इसके अंदर क्या होता है, जब अपन ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर अपन स्मॉल पंचर के थ्रू उसके अंदर इक्विपमेंट डालते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो बाकी के जो सर्जरी वगैरह होती है उसमें पूरा काटा जाता है, उसके बाद उसके अंदर ट्रीट किया जाता है उसको। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि इसमें स्मॉल पंचर किया जाता है, इसलिए ये एक तरह का एडवांटेज है। विदाउट कटिंग ओपन द जॉइंट, अपन ने देख लिया विदाउट कटिंग ओपन द जॉइंट, पूरे पार्ट को ओपन नहीं करेंगे और स्मॉल पंचर के थ्रू ही उसका ऑपरेशन अपन कर देंगे। तो इसके थ्रू क्या होगा, इसमें ब्लड लॉस है ना बहुत कम होगा, क्योंकि ब्लड को बाहर निकलने की वो ही जगह ही नहीं रहेगी तो कैसे बाहर निकलेगा ज़्यादा। तो ये एक एडवांटेज हो गया, नो ब्लड लॉस, ये एक तरह का एडवांटेज है। उसके बाद आता है डे केयर सर्जरी। इसको डे केयर सर्जरी इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मान लो अपने पेशेंट है उसके ऑपरेशन किया, उसका अगर मान लो अपने इसको मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन किया है तो अपन उसको घर जाने के लिए बोल देंगे सेम इवनिंग पर, मतलब सुबह आओ और शाम को चले जाओ, इतना सा इसमें डे केयर होता है सर्जरी। तो उसके बाद आता है लिटिल इमोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड, मतलब इसमें ज़्यादा इमोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अदर जो सर्जरी होती है ना उसमें काफ़ी इमोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि पेशेंट को काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट करना होता है, उसको मूवमेंट करने के लिए नहीं कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट करो, ज़्यादा मूवमेंट ना करो जिस पार्ट की सर्जरी हुई है। लेकिन इसमें है स्मॉल ड्रेसिंग फॉर 48 आवर्स, 48 आवर्स के लिए पर उसको स्मॉल ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद अलाउस द जॉइंट टू बी बेंड, अपन उसके जो जॉइंट है, मानो जैसे कोई नी जॉइंट है उसको बेंड करने के लिए अपन उसको अलाउ कर सकते हैं कि ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो मतलब पेशेंट ज़्यादा रेस्ट नहीं कर रहा है और अपने जो नी जॉइंट है या फिर कोई भी जॉइंट है जिसकी उसकी सर्जरी हुई है उसको अपन मूवमेंट करने के लिए कह रहे हैं, तो मूवमेंट करेगा तो अपन को फिजियोथेरेपी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी लिटिल और नो फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी उसको फिजियोथेरेपी की तो बिल्कुल कम होगी या फिर किसी कंडीशन में होगी भी नहीं। उसके बाद है वेरी विजिबल स्कार्स, ऑपरेशन परफॉर्म थ्रू मल्टीपल स्मॉल पंचर्स स्कार्स वेरी विजिबल। तो इसमें क्या होता है, अपन ने स्मॉल पंचर किया है तो उसके स्कार अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत स्कार्स होते हैं, मतलब मान लो कोई कट हुआ उसके बाद उसको सूचर किया जाता है तो उसके निशान अपन को देखने को मिलते हैं। लेकिन ये स्मॉल पंचर के थ्रू अपन ट्रीटमेंट ये ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो अपन को कुछ निशान देखने को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, और दिखेगा तो थोड़ा बहुत दिखेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं दिखेगा कि ऐसा कुछ हुआ है इस जॉइंट पर, ऐसा पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद है पॉसिबल अंडर लोकल एनेस्थेसिया,
तो इसके अंदर क्या है, परफॉर्म द ऑपरेशन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होते हैं, एक तो लोकल होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो इसमें अपन क्या, अपन लोकल एनेस्थीसिया देकर भी पेशेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट का। उसके बाद है बेटर असेसमेंट ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट है उसका अपन बेटर असेसमेंट कर सकते हैं। बेस्ट मोबिलिटी फॉर डायग्नोसिंग अ जॉइंट पैथोलॉजी, एमआरआई गिव्स ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जो अपन मान लो अपन एमआरआई कराते हैं तो उसके अंदर तो अपन को सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता लगती है, लेकिन अपन आर्थोस्कोपिक सर्जरी करेंगे और उसके अंदर आर्थोस्कोपिक डाल के देखेंगे तो अपन को ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि उसके अंदर हुआ क्या है। तो ये डायग्नोस्टिक करने की सबसे अच्छी टेक्निक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अब इसका यहाँ पर लास्ट एडवांटेज है डायनेमिक असेसमेंट ऑफ द जॉइंट। पॉसिबल टू मूव द जॉइंट ड्यूरिंग आर्थोस्कोपिक सर्जरी। मान लो अपन आर्थोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं और अपन ने पेशेंट को एनेस्थेसिया दे दिया, तो अपन उसके जॉइंट को मूव करके भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो अपन ने टेलीस्कोप डाला हुआ है ना, तो अपन को सब पता लगेगा कि जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है। तो अपन जॉइंट को मूव करके उसके अंदर देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल ट्रैकिंग ऑफ द पटेला मे बी सीन वेरी इन कन्वेंशियली आर्थोस्कोपिकली। जो अपन जो पटेला होता है उसकी ट्रैकिंग होती है, अगर वो अबनॉर्मल है तो अपन उसको अच्छे से देख सकते हैं, विजिबल होती है वो आर्थोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। तो इसलिए इसके कुछ एडवांसेस थे कि उसका जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी कम होगा। डे केयर सर्जरी है, बस एक दिन ही अपन को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद अपन घर जा सकते हैं। मोबिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी वो अपने मूवमेंट्स कर सकता है। फिजियोथेरेपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद है जो स्कार्स है वो थोड़े बहुत ही दिखाई देते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं, मतलब बेरी विजिबल स्कार्स है। उसके बाद अपन लोकल एनेस्थीसिया देकर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये बेटर असेसमेंट की टेक्निक है और इसके अंदर डायनेमिक असेसमेंट भी पॉसिबल होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसके इंडिकेशन ऑफ फॉर आर्थोस्कोपिक सर्जरी कि अपन कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपन आर्थोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करेंगे किसी पेशेंट में। तो मान लो अगर नी जॉइंट, अपन यहाँ पे बात करेंगे नी जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, एंकल जॉइंट की, एल्बो जॉइंट की एंड रिस्ट की, तो इनके अंदर क्या होगा, एक तीन समय एक कॉमन है वो है लूज बॉडी रिमूवल। तो सेकेंड वाले में भी ये लूज बॉडी रिमूवल, एंकल में भी ये लूज बॉडी रिमूवल, एल्बो में भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई जॉइंट है, ये इस तरह का जॉइंट है मान लो, तो उसके पास से अपन को कुछ छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि बोन की तरह होती है, तो अपन इसको निकालना पड़ता है अपन को। ये डिजेनरेटिव डिजीज के डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकती है या फिर और भी कंडीशन होती है जिसके कारण अपन को ऐसा हो सकता है, तो इसको अपन को रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी अपन आर्थोस्कोपिक सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो नी जॉइंट उसका फ्यूज़न हो गया है तो उस कंडीशन में अपन यूज़ करेंगे फ्यूज़न ऑफ द नी। उसके बाद लिगामेंटल रिकंस्ट्रक्शन में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शोल्डर जॉइंट में आएगा वही बात आएगी लूज बॉडी रिमूवल। उसके बाद है रोटेटर जो कर्व्स होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रोजन शोल्डर है उस कंडीशन में अपन इसको यूज़ करते हैं आर्थोस्कोपिक सर्जरी को ट्रीट करने के लिए। एंकल जॉइंट में साइनोवियल बायोप्सी में भी यूज़ कर सकते हैं, आर्थोटेसिस में यूज़ करते थे, और लूज बॉडी रिमूवल तो है ही सही। उसके बाद आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में है अगर रिलीज ऑफ स्टिफ एल्बो को रिलीज करने के लिए भी अपन इस सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रिमूवल लूज बॉडीज के लिए भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है साइनोवेक्टोमी के लिए करने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिस्ट में आता है रिस्ट जो में जो पेन होता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद डेट्रीमेंटेंट ऑफ टोन ट्राइंगुलर कार्टिलेज में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइनोवियल बायोप्सी एंड साइनोवेक्टोमी। तो अपन ने बस यहाँ पे तीन तीन लिखे हुए हैं, इसमें से अपन एक दो भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसमें पहला तो यह है लोअर बॉडी रिमूवल, इस सब में लिख सकते हैं अपन। तो अपन ने बात कर लिया कि आर्थोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, और उसके बाद देख ले कि इंडिकेशंस क्या होते हैं, अपन किस कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके अंदर अपन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। मान लो ये एक आर्थोस्कोपी है जिसके
टिप पर यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ होता है और इसको जॉइंट के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जॉइंट का। तो इस तरह की और भी स्ट्रक्चर्स अपन को देखने को मिलती है, इक्विपमेंट है काफ़ी सारे होते हैं। तो इक्विपमेंट डिपेंडेंट सर्जरी होती है, इम्पोर्टेंट एंड इन्वेंसिव होती है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये सर्जरी पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की सर्जरी है, उस तरह के इसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो उसके बाद तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे, टू विजुअलाइज इनसाइड द जॉइंट, जॉइंट के अंदर अपन को देखने के लिए कौन से चीज़ों के यूज़ करना पड़ेगा, वो है आर्थोस्कोप जो कि टिप पर लगाया जाता है, लाइट सोर्स क्योंकि लाइट होगी जब भी अपन उसको देख पाएंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल होना चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए, उसके बाद टीवी मॉनिटर होना चाहिए जो कि बाहर लगा हुआ होता है जिससे अपन देख सकते हैं कि जॉइंट के अंदर क्या है। उसके बाद आता है टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन, तो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको अपन हाथ से पकड़ के उसको यूज़ करते हैं, वो होते हैं प्रॉप्स, कटर्स, ग्रेप्सपर्स, सीजर्स, के नाइफ्स एक्सेट्रा, ये सब यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है तो उसके अंदर अपन को ये सब यूज़ करना होगा, इंस्ट्रूमेंट सच एज मोटराइज्ड सेवर्स एंड अंडर कर्वेचर कटिंग कंट्री एक्सेट्रा, ये सब यूज़ करना होगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट है यहाँ पे, आर्थोस्कोपी 4 mm टेलीस्कोप हैविंग अ 30 डिग्री फॉरवर्ड ऑब्लिक एंगल, ये इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, जो टेलीस्कोप होता है वो 4 mm का होना चाहिए और वो 30 डिग्री फॉरवर्ड ऑब्लिक एंगल पे लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है ऑब्लिकली हेल्प ट्री इज इंक्रीज द फील्ड ऑफ विजन, तो ये अगर इस डिग्री पर लगा हुआ तो अपन इस तरह से लगा हुआ होगा तो अपन जोन के अंदर के ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। उसके बाद है स्मॉलर साइज आर्थोस्कोपी स्मॉल जॉइंट, स्मॉल जॉइंट को ट्रीट करने के लिए अपन को स्मॉल साइज के आर्थोस्कोपी यूज़ करनी पड़ेगी, अगर लाल जॉइंट को कर रहे हैं अपन तो उस तरह के उसके अंदर इक्विपमेंट लगेंगे। इसके बाद अपन ने पढ़ेंगे इसके प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर अपन नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट को या फिर शोल्डर जॉइंट था, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट को देखेंगे, तो अपन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नी जॉइंट की आर्थोस्कोपी एंड शोल्डर जॉइंट की आर्थोस्कोपी अपन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा प्रोसीजर आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।